Так да, он здесь, он горит. Коля, ну, блядь, он горит. बेड़ा ले आया थे हाँ बेड़ा ले आया एक मिनट रुको आप यहाँ पे कैसे आए चौधरी हम क्या मामला दर्ज है क्या एक मिनट यहाँ मैं उदाराम मेघवाल पूर्व प्रधान एवं अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच कल 16 तारीख को जब जाट हरलाल छात्रावास में कर्नल साहब माननीय सांसद पर जो जिस प्रकार का हमले की बात आई थी और उसको लेकर मीटिंग में हमें जाट महासभा के अध्यक्ष ने वहां बुलाया था कर्नल साहब की उस मीटिंग में और मीटिंग में जाने पर हजारों लोग वहां थे और वहां उसके समक्ष मेरे को जब बोलने का मौका दिया गया तो मैंने उससे एक सामान्य जो 4 बार सांसद रहा ऐसे बड़े व्यक्ति पर अगर इस राज्य में अगर हमला होता है तो हम जैसे साधारण लोगों की तो सुरक्षा कैसे होगी ये अपने आप में साबित हो रहा है। तो मैंने वहाँ पर उस हमले की निंदा की थी और वो भी सभ्य शब्दों में की थी। लेकिन जब मेरा ये YouTube पे मेरे उद्बोधन का जब वीडियो वायरल हुआ तो वायरल वीडियो के बाद में नरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति और दूसरे भी ऐसे बना लोग और हरि सिंह राठौड़ नाम के व्यक्ति सहित मुझे मेरी माँ बहन को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और सारी की सारी कम्युनिटी को मतलब अंकित करते हुए अलग अलग व्यक्तियों ने 4 लोगों ने इतनी घृणित शब्दों का उपयोग किया जिससे मैं एक सामान्य नागरिक होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व प्रधान और समाज के कम से कम मुख्य लोगों में आता हूँ तो मेरी मान हानि भी है मेरे समाज का और मेरा और बाबा साहेब का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। इसको लेकर के मैंने और पूरे मेरे समाज के युवाओं के साथ में हम लोग मुख्य लोग यहाँ आकर के हमने लिखित में 4 केस दर्ज करने के लिए रिपोर्ट पेश की है। श्री सीआई साहब इस बारे में देख रहे हैं वो प्रक्रिया में है मुकदमा कब दर्ज करते हैं जब होगा तब मैं बता दूंगा। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब अनुसूचित जाति के लोग या कोई सत्य बात के लिए कोई आवाज़ उठाएंगे तो उनको गालियां दी जाएगी उसको मारने की धमकी दी जाएगी। और एक मैं विशेष करके बात कहना चाहता हूँ अगर मुझे या मेरे समाज के किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो ये जो कमेंट्स करने वाले और इनके जो आका है वो जिम्मेदार रहेंगे इस बात की मैं कहना चाहता हूँ और पुलिस और प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि इस अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब लोग जो आवाज न्यायिक बात करते हैं उनकी सुरक्षा मुहैया करावे अन्यथा उसके लिए प्रशासन और पुलिस और राज्य सरकार दोषी रहेगी। आप पुलिस